हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम आसाम के लुमडिंग सिटी के एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन लुमडिंग जंक्शन के बारे में जानेंगे। लुमडिंग जंक्शन से भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए आसानी से ट्रेनें मिल जाती हैं। यह जंक्शन लुमडिंग के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि लुमडिंग जंक्शन लुमडिंग के लोगों के लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए हमेशा अच्छी सर्विस प्रदान करती है। लुमडिंग जंक्शन को 1903 में बनाया गया था। इस जंक्शन का स्टेशन कोड है LMG। लुमडिंग जंक्शन को नॉर्थ ईस्ट ओरिएंटेड रेलवे जोन ऑपरेट करती है, जिसका डिवीज़न लुमडिंग है। लुमडिंग जंक्शन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म हैं और ट्रैक्स यानी पटरियों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्स हैं। लुमडिंग जंक्शन पर कैटरिंग यानी खान पान, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, वाईफाई, वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, इंक्वायरी काउंटर, वाटर, टॉयलेट, ट्रांसपोर्ट एंड ऑटो रिक्शा पार्किंग की फैसिलिटी है। लुमडिंग जंक्शन से अलग अलग रेलवे लाइन जाती हैं। गुवाहाटी लुमडिंग सेक्शन, लुमडिंग डिब्रूगढ़ सेक्शन, लुमडिंग बदरपुर सेक्शन। लुमडिंग जंक्शन से कुछ मेजर ट्रेन्स होकर गुजरती हैं। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी डिब्रूगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस, सिलचर न्यू दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। लुमडिंग जंक्शन को समुद्र तल से 142 मीटर यानी 466 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। लुमडिंग जंक्शन से डेली 2 लाख से ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं। लुमडिंग जंक्शन पर टोटल 103 ट्रेनों का स्टॉपेज है। लुमडिंग जंक्शन से 5 ट्रेनें स्टार्ट होकर अलग अलग शहरों के लिए रवाना होती हैं और 5 ही ट्रेनें यहां आकर समाप्त हो जाती हैं। लुमडिंग जंक्शन से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बरलांगफर है, जो कि मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप लोग आसाम के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।